अब हम कहते हैं अंडर सर्टन कंडीशंस दिस मोमेंटम मे बी कंजर्व्ड फॉर एनी सिस्टम. अंडर सर्टन कंडीशंस दिस मोमेंटम मे ऑलवेज बी कंजर्व्ड फॉर एनी सिस्टम ड्यूरिंग एनी प्रोसेस ड्यूरिंग एनी फिनोमेना. हम अगली वही बात समझते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट वी अप्लाई दैट वी यूज व्हाइल कंजर्विंग द मोमेंटम. एक्सटर्नल फोर्स इज डीपी बाय डीटी. द फर्स्ट प्रिंसिपल टू कंजर्व द मोमेंटम इज क्वाइट सिंपल. If we could identify an event during which there is no external force acting, over which there is no external force acting. यदि हम कोई ऐसा सिस्टम ढूंढ लें, यदि हम कोई ऐसा इवेंट देख रहे हो जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता हो. If external force is zero over the system during any phenomena, during any event. In that case, we will say dP by dt would be zero. यदि external force zero है तो dP by dt zero होना चाहिए. किसी भी quantity का rate of change जीरो हो, डीपी बाय डीटी जीरो हो, यह तभी संभव है. इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट. वी यूज टू से ऐसे प्रोसेस के दौरान सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए. Momentum should remain constant during such process. This is first principle for conserving the momentum. A quite simple principle. हमको सिर्फ वह system देखना है, वह system समझना है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो. यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम के साथ कुछ भी हो, उस इवेंट के दौरान मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. अब दूसरा प्रिंसिपल, मैं इसी इक्वेशन को यदि रीअरेंज कर दूं dt ऊपर ले गया, f external dt is equal to dp. Now I may integrate it on both the sides. मैं दोनों साइड से इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं. इंटीग्रल ऑफ f external dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dp. Integral of f external dt is equal to integral of dp. But what is integral of dp? Integral of dp is always equal to p. And after integrating, I should write it like this, where initial momentum is pi, final momentum is Pf. I apply the limits and I will say it's final momentum minus initial momentum.
final momentum minus initial momentum is the change in momentum. Or integral of F external dt is change in momentum. Up. What do this expression mean? This expression means that we have got some finite external force acting on the system. System par koi finite external force act kar raha hai. It acts for some finite time. Wo finite time ke liye act karta hai. When a finite force act for finite time, in that case there would be finite change in momentum. फोर्स मोमेंटम चेंज करता है मगर मोमेंटम को चेंज करने के लिए उसे कुछ समय देने की आवश्यकता होती है, उसे कुछ समय लगता है. फॉर एग्जाम्पल, यह कोई बॉडी है मास m की, इसकी इनिशियली कुछ वेलोसिटी u है. यदि इस पर कोई फोर्स नहीं लगे तो यह बॉडी u वेलोसिटी से ट्रेवल करती ही चली जाएगी. इन दैट केस इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहेगा. यदि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने लगे, यदि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने लगे तो इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होने लगेगी. इस सिचुएशन में बॉडी की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी. मगर क्या बॉडी की वेलोसिटी जीरो टाइम में बढ़ जाएगी? क्या फोर्स के लगते से ही बढ़ जाएगी? नहीं, बॉडी की वेलोसिटी फोर्स के लगते से ही नहीं बढ़ेगी. फोर्स एक फाइनाइट टाइम के लिए लगेगी, बॉडी आगे बढ़ती जाएगी और यह फोर्स कॉन्स्टेंटली उस पर लगती रहेगी तो उसकी वेलोसिटी v से u से बढ़के कुछ v हो जाती है. कैसे होती है? हम कहते हैं सबसे पहले तो एक्सीलरेशन होता है, कॉन्स्टेंट मास है इसलिए हम एक्सीलरेशन लिख देते हैं एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास. इफ एक्सटर्नल फोर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, mass remains constant, this acceleration would remain constant. If external force and mass are constant, then acceleration is constant. अब यह acceleration से वेलोसिटी बढ़ती है और इट इंक्रीजेस बाय दिस इक्वेशन. वेलोसिटी यू से वी हो गई मगर क्या जीरो टाइम में हुई? नहीं, इट टुक दिस मच टाइम टी. जितना अधिक समय तक फोर्स लगती रहेगी उतने अधिक समय तक बॉडी का एक्सीलरेशन होता रहेगा और उतना ही अधिक उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उतना ही अधिक उसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा. एक्सटर्नल फोर्स चेंज द मोमेंटम बट दैट ऑलवेज टेक सम टाइम, बट दैट ऑलवेज कंज्यूम सम टाइम. यदि फोर्स को कोई समय नहीं दिया जाए, जीरो टाइम में फोर्स कोई मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएगी. अब
मैं एक इवेंट डिस्क्राइब करता हूं, जरा इस इवेंट को ध्यान से देखिए, सोचिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ हाई टॉवर, एक बहुत ऊंचा टॉवर है, एंड देयर इज अ पर्सन ऑन द टॉप ऑफ द टॉवर, और एंड दिस पर्सन ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम दिस हाइट. यह पर्सन जो टॉवर के टॉप पर खड़ा है, यह टॉवर के टॉप से एक बॉल ड्रॉप कर रहा है, और इसके द्वारा ड्रॉप की गई बॉल नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है. इट्स अंडर फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. यह बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, इस बॉडी का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी से हो रहा है. अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? जब यह बॉल नीचे गिर रही है, जब यह बॉडी नीचे गिर रही है, इस गिरने वाले प्रोसेस के दौरान, इस फिनोमेना के दौरान, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? डेफिनेटली यस. द एक्सटर्नल फोर्स इज ड्यू टू अर्थ, इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट्स इक्वल टू mg, एंड ड्यू टू दैट फोर्स द बॉडी इज अंडर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन. जब यह बॉडी नीचे गिर रही है, तो इस बॉडी पर एक कॉन्स्टेंट फोर्स, कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स इक्वल टू mg, कॉन्स्टेंटली यह फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स की वजह से वह बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, उसकी वजह से नीचे गिर रही है. साइमल्टेनियसली देयर इज अ पर्सन ऑन द ग्राउंड, यह पर्सन एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है. जमीन पर खड़ा हुआ यह पर्सन एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, और यह बॉल ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है. ऊपर की तरफ ट्रेवल करती हुई इस बॉल पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? किस डायरेक्शन में, किस वजह से, कितना एक्सटर्नल फोर्स? डेफिनेटली दिस बॉल मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, वी यूज टू से इट्स ऑल्सो अंडर फ्री फॉल. इसको भी हम फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं. जा ऊपर रही है, मगर हम इसे कहेंगे क्या? फ्री फॉलिंग बॉडी. व्हाई वी कॉल इट फ्री फॉलिंग बॉडी? क्योंकि इस ऊपर की तरफ जाती हुई बॉल पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कॉन्स्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कॉन्स्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की वजह से लग रहा है. इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह बॉडी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से ही एक्सीलरेट हो रही है. कोई सी भी बॉडी जिसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जी से हो रहा है, द बॉडी इज सेड टू बी अंडर फ्री फॉल, इट्स अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटेनियसली उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा हो. इंस्टेंटेनियसली उस बॉडी का मोशन चाहे ऊपर हो रहा हो, चाहे नीचे हो रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है. We used to say, if the body is accelerated in downward direction with acceleration equal to gravity, with acceleration equal to g,
इट्स सेड टू बी अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ऊपर से गिराई गई बॉडी भी फ्री फॉलिंग बॉडी कहलाती है और नीचे से फेंकी गई बॉडी भी हमेशा फ्री फॉलिंग ही कहलाती है। ऊपर से गिराई हुई बॉडी तो कॉन्स्टेंटली नीचे ही आएगी, मगर जिस बॉडी को आपने ऊपर फेंका है उसके मोशन के दो पार्ट हैं, एक तो ऊपर जाने वाला पीक हाइट पर जाने वाला और पीक हाइट पर जाने के बाद फिर नीचे लौट के आने वाला। हम फ्री फॉलिंग किसे कहेंगे, ऊपर जाते समय या नीचे गिरते समय? हम दोनों को ही फ्री फॉलिंग कहेंगे। ऊपर जाते समय भी द बॉडी वुड बी कॉल्ड फ्री फॉलिंग बॉडी और नीचे आते समय भी बॉडी को हम फ्री फॉलिंग बॉडी कहेंगे। फ्री फॉलिंग शब्द का मतलब है डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सीलरेशन विथ ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। यह दोनों बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ऊपर से नीचे गिरने वाली बॉडी पर भी और नीचे से ऊपर जाने वाली बॉडी पर भी, दोनों बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। दोनों बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट्स इक्वल टू mg। इस पर भी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पर भी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यह दोनों बॉडी बीच में कहीं पर टकराती हैं। इन दोनों बॉडी का बीच में कोलिजन होता है। टॉवर से इधर गिराई हुई बॉडी, इधर से ऊपर फेंकी हुई बॉडी, दोनों बॉडी बीच में कहीं टकराती है। मैं इन दोनों बॉडी के टकराने वाले फिनामना को एनालाइज करना चाहता हूं, उसको स्टडी करना चाहता हूं। सबसे पहली सवाल, जब यह दोनों बॉडी टकराएंगी तब इस सिस्टम पर, हमारे सिस्टम में यह दोनों बॉडीज, इस सिस्टम पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? डेफिनेटली यस, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ। किस डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड। कितना फोर्स है? एमजी प्लस एमजी, दोनों मास आइडेंटिकल है तो 2mg, मासेस अलग अलग है तो m1g प्लस m2g। इस पूरे मास सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्या हम इस कंसेप्ट के द्वारा, इस प्रिंसिपल के द्वारा मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? नहीं। यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज दैट दिस प्रिंसिपल सेज। मगर मैं पूछता हूं कि क्या इस टकराने वाले फिनामना के दौरान मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? इस प्रिंसिपल से तो नहीं कर सकेंगे, मगर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हियर वी हैव सेकेंड प्रिंसिपल टू कंजर्व द मोमेंटम, एंड द प्रिंसिपल सेज दैट इफ ड्यूरिंग एनी फिनोमेना, ड्यूरिंग एनी इवेंट, the time interval is zero, किसी भी प्रोसेस के दौरान, किसी भी फिनामना के दौरान या किसी भी इवेंट के दौरान यदि टाइम इंटरवल जीरो है, वो इवेंट जीरो टाइम में हो रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व करा जा सकता है। सचमुच में यह दोनों बॉल जब एक दूसरे से टकराएंगी तो ठीक टकराने से पहले और ठीक टकराने के बाद इसमें जो समय लगा, इसमें जो टाइम इंटरवल लगा,
that is definitely zero. That can be assumed to be zero. हम कहते हैं, once again, यह जो equation हमने लिखी थी इसी पर आ रहे हैं, if dt is zero, dt is zero means if time taken in the event is zero. यदि हम किसी ऐसे event को study कर रहे हो जो zero time में हो रहा हो, जैसे bursting phenomena, एक bomb का blast होना. हम कहते हैं bomb का blast होना है zero time में हो जाता है, ठीक ब्लास्ट होने से पहले और ठीक ब्लास्ट होने के बाद. ये जो समय है ये जीरो है. दो बॉडीज का आपस में टकराना, ठीक टकराने से पहले और ठीक टकराने के बाद इसमें जो समय लग रहा है दैट इज जीरो. इफ डीटी इज जीरो, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्सटर्नल डीटी वुड बी जीरो. यदि डीटी जीरो हो जाए तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्सटर्नल डीटी जीरो हो जाएगा. इन दैट केस डेल्टा पी वुड बिकम जीरो, चेंज इन मोमेंटम वुड बिकम जीरो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वुड बिकम जीरो, और फाइनल मोमेंटम वुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल टू कंजर्व द मोमेंटम. इन दिस केस वी यूज टू से देयर मे बी सम फाइनाइट एक्सटर्नल फोर्स. वहां पर कोई फाइनाइट एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है. देयर मे बी सम फाइनाइट एक्सटर्नल फोर्स, बट इफ टाइम इंटरवल ऑफ इवेंट, इफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ इवेंट इज जीरो, इन दैट केस जस्ट बिफोर द इवेंट एंड जस्ट आफ्टर द इवेंट द मोमेंटम वुड रिमेन सेम, द मोमेंटम वुड रिमेन कॉन्स्टेंट, the momentum would remain conserved. Like this, we used to say, we have got two principles to conserve the momentum. मैंने momentum conserve करने के लिए दो principles बता दिए. The first principle says that, यदि हम कोई ऐसा system ढूंढ ले, यदि हम कोई ऐसा event ढूंढ ले, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इन दैट केस उस सिस्टम के लिए, उस इवेंट के लिए, उस फिनोमेना के लिए मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. आई विल से दैट इज द इजीएस्ट प्रिंसिपल, अ सिंपलेस्ट प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई, सबसे आसान तरीका. और दूसरा जो एक कंसेप्ट मैंने अभी अभी बताया, दिस कंसेप्ट सेज दैट कि एक्सटर्नल फोर्स से मोमेंटम चेंज होता है, ये बात बिल्कुल सही है, मगर एक्सटर्नल फोर्स से मोमेंटम कोई इंस्टेंटेनियसली, एक इंस्टेंट में, एक छोटे से टाइम में चेंज नहीं हो जाता है. फोर्स को मोमेंटम चेंज करने के लिए कुछ समय लगता है, फाइनाइट टाइम लगता है, आपको कुछ समय देना होता है. और यदि आप कोई ऐसा फिनोमेना स्टडी करने लगो, कोई ऐसा इवेंट स्टडी करने लगो जिस इवेंट को होने में कोई समय नहीं लगा, तो उस इवेंट के दौरान भले ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मगर वह एक्सटर्नल फोर्स बॉडी का, सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. मैं दोबारा इस तरह का वह सिस्टम रिकॉल करा दूं जो मैंने समझाया.
एक ऊंचे टावर से गिराई गई एक बॉल, एक ऊंचे टावर से गिराया हुआ एक पार्टिकल, जब यह गिर रहा है तो थ्रू गिरने वाले प्रोसेस के दौरान इस पर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एमजी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वजह से यह एक्सीलरेट भी हो रहा है जी से, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है। एक बॉडी जिसे हमने नीचे से ऊपर फेंका किसी यू वेलोसिटी से, नीचे से ऊपर जाती हुई इस बॉडी पर भी कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से यह भी कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी। इन दोनों बॉडीज पर एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों बॉडीज पर एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है एमजी है। यह एक्सटर्नल फोर्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती, बीच में इनके साथ कुछ भी हो। यह दोनों बॉडीज बीच में एक दूसरे के साथ इधर मिलती हैं और टकराती हैं। टकराने वाला इस फिनोमेना को मैं स्टडी कर रहा हूं, इसको मैं एनालाइज कर रहा हूं। जब यह दोनों बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आई, जब यह दोनों एक दूसरे से टकराई, तो उस टकराने वाले फिनोमेना के दौरान भी दोनों बॉडीज पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, mg प्लस mg। ये दोनों फोर्स कोई कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ये दोनों फोर्स तो ऐड अप होएगा, बल्कि दोनों बॉडीज का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी जी से हो रहा था। इस फिनोमेना के दौरान, इस इवेंट के दौरान एक्सटर्नल फोर्सेस नॉन जीरो, हम यह वाला कंसेप्ट, यह वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। इस केस में हमने एक दूसरा कंसेप्ट सोचा है, दैट इज यदि हम यह सोचें कि ठीक टकराने से पहले और ठीक टकराने के बाद कितना समय लगा, जीरो, कोई खास समय नहीं लगा। यदि इस इवेंट में कोई समय नहीं लगा तो इस इवेंट के लिए हम कहेंगे डीटी इज जीरो। यदि इस इवेंट के लिए डीटी जीरो हो गया तो एफ एक्सटर्नल डीटी, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्सटर्नल डीटी, दैट वुड बिकम जीरो। हेंस डेल्टा पी, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्सटर्नल डेल्टा टी इज डेल्टा पी वुड बिकम जीरो, चेंज इन मोमेंटम वुड बिकम जीरो। यदि चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम शुड बिकम जीरो। डेल्टा पी इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस वुड बिकम जीरो, मींस फाइनल मोमेंटम वुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। मींस जस्ट बिफोर कोलाइडिंग सिस्टम का जो मोमेंटम है दैट वुड बी इक्वल टू द मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलाइडिंग, ठीक कोलाइड होने से पहले मोमेंटम और ठीक कोलाइड होने के बाद मोमेंटम, इट वुड बी इक्वल, द मोमेंटम वुड रिमेन कंजर्व। द मोमेंटम इज कंजर्व बिकॉज टाइम टेकन इन द इवेंट इज जीरो। दिस आर द टू प्रिंसिपल्स विल ऑलवेज अप्लाई व्हाइल कंजर्विंग मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम, मोमेंटम